तभी मान लो सर आपको बताना भाई सब सब सही समझा बनने को मैं मैम आप बोलो अब अपनी बात बोलिए सर मुझे दो मुस्लिम शिक्षिकाओं को द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है ये उसमें से रियाना खातून है सर सबकी लीडर वो 7-8 महिला शिक्षकों को लेकर चलती है 150-200 बच्चे हैं क्योंकि वो प्रवक्ता है तो फर्स्ट ईयर इंटर की छात्राओं के द्वारा मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है मैं क्लास में पढ़ाने जाती हूँ मेरा उत्पीड़न किया जाता है तरह तरह के बालिकाओं के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं अगर मैं प्रेयर ग्राउंड में प्रेयर में सुबह खड़ी होती हूँ तो 8-9 टीचर्स मुझे परेशान करती है लड़कियों के द्वारा तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगवाए जा रहे हैं 1000 लड़कियों के द्वारा भी मेरे साथ में सर ये करवाए जा रहे हैं उनका 9 शिक्षिकाओं का गुट है उस सबकी नेता रियाना खातून है सर और सर वो 15 साल से इस प्रिंसिपल की सीट के लिए लगी हुई थी और वो कहती थी कि मैं तुझे कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगी आज सर 2 घंटे नारे लगवाए गए कि ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो ममता दीक्षित कुर्सी छोड़ो सर लड़कियों में इस तरीके की राजनीतिक विचारधारा भरी जा रही है जैसे मुझे सरकार ने बनाया सर और ये उसमें एक अनुपमा यादव भी शामिल है जो सर बाढ़ की रहने वाली है और मेरे नेक्स्ट है सर वो कुर्सी की खाते इस तरीके से मेरा उत्पीड़न कर रही है और सर अब मेरा इतना जीना दूभर हो गया है कि मैं आत्महत्या के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं सर मुझे अपने घर जाने में भी एक्टिवा से डर लगता है 8-9 टीचर मिलकर मेरा क्या हाल असर करेगी क्योंकि 150-200 लड़कियां भी इस तरीके का कर रही है और सर सब सराय ख्वाजा मुस्लिम संप्रदाय की अधिकांश उनमें से सर क्या मैं करूँ मेरा नौकरी करना दूभर हो गया है सर मेरी छोटी छोटी बच्ची है हस्बैंड भी लिवर पेशेंट है सर मैं क्या करूँ सर मुझे समझ नहीं आ रहा घटनाएं कब से हो रही है आपके घर ये सर 1.5-2 साल से मेरे संग में लगातार हो रहा है उससे पहले कमीशन से प्रिंसिपल थी डॉक्टर मधुबाला चौहान मैडम तो ये उससे पहले से भी मेरे पैर उखाड़ती थी कि ये ना कुर्सी न ले इस तरीके को उत्पीड़न करो कि रेजिग्नेशन कर दे और सर इसीलिए इस प्रकार की डेली गतिविधियां लड़कियों के द्वारा करवाई जा रही हैं सर मेरे पास उसके प्रमाण भी मौजूद है लड़कियों के द्वारा पहले साइन करा लेती हैं खाली पेपर दे देती है कक्षा में और उस पर साइन कराती हैं अपनी क्लास में जाती हैं जब और सर उसके बाद में है ना ये शिकायतें लिख लेती है मनगढ़ंत और फिर वो डीएम साहब के यहाँ मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की पोर्टल वेबसाइट पे इस प्रकार से भेजती रहती हैं और संयुक्त शिक्षा निदेशक शिक्षा भवन कार्यालय आज भी सर नारे लगवाए गए हैं उसकी लड़कियों के द्वारा मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई गई है और सर उस पे मुझे मानसिक उत्पीड़न के लिए उसको सोशल मीडिया और उस पे ये लोग वायरल करेंगी सर किस प्रकार से मैं जीवन जीऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा सर ये महिला शिक्षिका मेरा मर्डर करा के रहेगी सर मैं अच्छी ममता दीक्षित हूँ मैं हिंदू इसलिए मेरा सर आज इतना उत्पीड़न हो रहा है हिंदू होने के कारण